डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो गुणा करने वाला सिस्टम है यूं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब बीजीय पदों का गुणा करना होता है तब थोड़ी सी समस्या आती है। वो समस्या नहीं रहे आप इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आपको एक ही एक दो मिनट तीन मिनट के अंदर ये आपको गुणा समझ में आ जाएगा। 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 4y से। अब ऐसे टर्म का गुणा कैसे करते हैं, देखिए आप लगा दें इक्वल और ये इनटू है, आपको क्या करना है 2x प्लस 3y और यहाँ इसकी जगह इनटू लगा लें 3x माइनस 4y। वैसे ब्रैकेट लगा दिया तो इनटू की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 2x का इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x बाहर लिखें और ये 3x माइनस 4y, फिर 3y का प्लस 3y लिख दें, प्लस 3y का इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको भी एक बार अपन ऐसे लिख देंगे 3x माइनस 4y। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2x का 3x से, तो इस क्योंकि इसका दोनों से करना है, ध्यान देना, इसका पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो 2x का इससे किया तो 2 3 जा 6 और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर पावर जुड़ जाएगी। माइनस 2x का 4y से करें तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 और x का y से करें तो एक्स वाई बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए इसकी पावर प्लस नहीं हो सकती है, x अलग है वाई अलग है। इसका काम इससे हो गया। अब करते हैं अपन इससे प्लस 3y से, किससे, इससे करें। तो इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करते जाएं क्योंकि अलग से लिखने से टाइम ज़्यादा हो लगेगा। तो 3y का 3x से करें तो 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9 और ये बनेगा yx। देखिए मैं इसको xy ही लिख रहा हूँ क्योंकि xy और yx मल्टीप्लिकेशन में सेम होते हैं, 3 इंटू 4 इक्वल टू 43, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ इससे कर दिया, अब 3y का इससे करना रहा तो ये प्लस माइनस माइनस और 3y का 4y से करें तो 3 का 4 से करो, 3 का 4 से तो ये हो जाएगा 12 और y का y से किया तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ चेंज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तो कर लिया है क्योंकि 6x स्क्वायर अकेला टर्म में सेम ऐसे ही रहेगा और माइनस का 12y स्क्वायर भी अकेला टर्म में y स्क्वायर और इसमें कहीं पर भी नहीं है इसलिए, और एक्स स्क्वायर और कहीं पर भी नहीं है, तो इन दोनों को सेम लिख दिया। लेकिन इन दोनों टर्म को देख लीजिए आप, इसको और इसको, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई में है, सेम टर्म है, इसको कहते हैं होमोजीनियस टर्म यानी कि सजातीय पद, ठीक है। तो यहाँ आपके ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी कि 9 में से 8 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 1 हम लिखेंगे नहीं, तो ये एक्स वाई ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा काम आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं सभी क्लासों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है।